कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में पावर सिस्टम के चैप्टर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी और मैं इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर स्टेशन प्लांट लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो लोड फैक्टर जो होता है वो इक्वल होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय पीक लोड। तो ये एवरेज लोड और पीक लोड का रेशियो होता है। तो आंसर होगा एवरेज लोड टू पीक लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोपरेटिव टाइप ऑफ कंडेंसर है। जो कंडेंसर होता है इवोपरेटिव टाइप कैसा होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्टीम जो होता है पाइप के अंदर से जाता है और वाटर जो होता है उसके चारों तरफ होता है। तो उस टाइप के जो कंडेंसर होते हैं उसे बोलते हैं इवोपरेटिव टाइप ऑफ कंडेंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया। इंडिया में टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, तो ये है 125,000 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सप्लाई टू द बॉयलर एट। जो हम वाटर सप्लाई करते हैं बॉयलर में वो कैसा होता है, तो जो बॉयलर में जो वाटर सप्लाई करते हैं वो उसकी जो प्रेशर उसका जो प्रेशर होता है वो मोर देन होता है स्टीम प्रेशर इन द बॉयलर। बॉयलर के अंदर जो स्टीम का प्रेशर होता है उससे अधिक प्रेशर होता है वाटर सप्लाई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन। नॉर्मल जो थर्मल पावर स्टेशन होता है उसका अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी कितना होता है, तो वो होता है 30-40%। ठीक है, इन कोल फायर थर्मल पावर स्टेशन व्हाट आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन यूज फॉर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन का हम यूज क्या करते हैं, तो ये यूज करते हैं कलेक्ट करने के लिए डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द फ्यूल गैसेस। फ्यूल गैसेस से जस्ट डस्ट पार्टिकल जो निकलता है उसको कलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन। ठीक है, ये किसमें यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। ठीक है, इन पंप स्टोरेज पावर प्लांट, पंप स्टोरेज पावर प्लांट जो होता है उसके बारे में बताएं, तो ये एक प्रकार का इसमें जो हम टर्बाइन यूज करते हैं वो रिवर्सिबल टाइप ऑफ टर्बाइन यूज करते हैं और जो हमारा पीक लोड पे पीक लोड आर में ये पावर जनरेट करता है टर्बाइन, और जब पीक ऑफ आर होता है तो उस समय वो पंप करता है वाटर को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो टर्बाइन यूज करते हैं वो रिवर्सिबल टाइप ऑफ टर्बाइन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर स्टेशन प्लांट लोड फैक्टर डिफाइंड एज रेशियो। लोड फैक्टर जो होता है वो रेशियो क्या होता है, लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर जो रेशियो होता है वो होता है एवरेज लोड टू पीक लोड, मीन्स एवरेज लोड डिवाइडेड बाय पीक लोड इक्वल टू लोड फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रो पावर स्टेशन व्हाट इज एन इन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट अबव द इनटेक एंड यूज एज अ रेगुलेटिंग रिजर्वर आर यूज। मतलब हाइड्रो पावर स्टेशन में जो इन लार्ज बॉडी है जस्ट अबव, मतलब इनटेक से जस्ट अबव जो इन लार्ज बॉडी है जिसका हम यूज करते हैं रेगुलेटिंग रिजर्वर के रूप में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फोरवे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वेरियस हेड ऑफ नियर अबाउट बट लेस देन 30 मीटर विच टाइप ऑफ टर्बाइन यूज इन हाइड्रो पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन में कौन सा हम टर्बाइन यूज करते हैं 30 मीटर हेड के लिए, तो हम लोग कैपलन टाइप ऑफ टर्बाइन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ड्राफ्ट ट्यूब ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन दैट इज अ एयर टाइट पाइप लोकेटेड। जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है हाइड्रो पावर प्लांट में हम उसको कहाँ पे लोकेटेड करते हैं, जो एक प्रकार एयर टाइट पाइप होता है, तो ये लोकेटेड होता है बिटवीन द पेन स्ट्रोक एंड रनर, बिटवीन द पेन स्ट्रोक और रनर के बीच में ड्राफ्ट ट्यूब लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ वाटर दैट इज टू मेंटेन इन द स्टीम राइजिंग थर्मल पावर स्टेशन। तो पीएच वैल्यू वाटर का कितना रखते हैं टू मेंटेन करने के लिए स्टीम को इन राइजिंग थर्मल पावर स्टेशन में, तो हम लोग रखते हैं 8.5 रखते हैं पीएच वैल्यू वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट फॉर्म द इनिशियल एनर्जी विल बी रिलीज फ्रॉम द 200 MeV पर फ्यूजन बाय अ न्यूट्रॉन्स इन अ स्लो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इनिशियल जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनिशियल एनर्जी जो रिलीज होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
तो इनिशियल जो एनर्जी होता है इसी फॉर्म में होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में हमारे इनिशियल एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कंसिस्ट ऑफ। पंप स्टोरेज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो होता है वो कंसिस्ट क्या क्या करता है, इसमें एक सिंक्रोनस मशीन होता है, एक रिएक्शन टर्बाइन एंड ऑफ मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, और तीनों ही जो होते हैं इन वन शाफ्ट में ही तीनों। द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओवर थर्मल पावर स्टेशन इज, क्या एडवांटेज है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का ओवर थर्मल पावर स्टेशन। तो इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का वो लो होता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू हैव लोअर कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन, अगर पावर जनरेशन का कॉस्ट को अगर लोअर करना है तो ये कब संभव है, जब हमारा लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर दोनों ही हाई रहेगा तब हमारा जो पावर जनरेट होगा उसका जो कॉस्ट होगा वो लोअर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट स्टीम प्रेशर इज लेस देन डेट ऑफ द एटमोसफेयर, किस पार्ट में थर्मल पावर प्लांट की किस पार्ट में जो स्टीम का जो प्रेशर होता है वो लेस देन होता है एटमोसफेयर से, तो होता है कंडेंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू एंड इन द कन्वेंशनल कोल फायर थर्मल स्टेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट टर्बाइन यूज एस्टीमेट, अगर हम कंपेयर करें फायर थर्मल स्टेशन से कोल फायर थर्मल स्टेशन से, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्लांट में जो टर्बाइन है वो यूज करता है स्टीम को एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में। ठीक है, जो स्टीम यूज करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट टर्बाइन जो होता है वो यूज करता है जो स्टीम को, उसका जो प्रेशर होता है लो होता है और टेम्परेचर भी लो होता है कंपेयर टू कोल फायर थर्मल स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ड्यूरेशन कर्व एट द गिवन हेड ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज यूज टू डिटरमाइन, तो ये हम लोग टोटल पावर अवेलेबल एट द साइट में कितना पावर अवेलेबल उसको डिटरमाइन करने के लिए फ्लो ड्यूरेशन कर्व का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया अंडर अ फ्लो ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट्स, जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व में जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ ड्यूरिंग दैट उस पीरियड में टोटल क्वांटिटी जो रन ऑफ होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द फ्लो ड्यूरेशन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास कर्व कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम, मास कर्व जो होता है वो प्लॉटेड होता है फ्रॉम प्लॉटेड होता है, तो वो होता है क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनस्टोक इज यूज एज अ कंड्यूट बिटवीन, पेनस्टोक जो होता है वो किसके बीच होता है, तो ये डैम और टर्बाइन के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इन पेनस्टोक अराउंड, जो वाटर का जो फ्लो होता है पेनस्टोक में हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो वेलोसिटी जो होता है वाटर फ्लो का पेनस्टोक में वो कितना होता है, तो वो होता है 7 मीटर पर सेकेंड। द लोकेशन ऑफ सर्च टैंक इन एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज नियर, किसके नियर हमारा लोकेटेड होता है सर्च टैंक, तो वो टर्बाइन के नियर लोकेटेड होता है सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ सर्च टैंक इज टू, सर्च टैंक का क्या फंक्शन है, तो सर्च टैंक क्या करता है, रिलीव करता है वाटर को वाटर हैमर प्रेशर इन द पेनस्टोक पाइप, पेनस्टोक पाइप में वाटर हैमर प्रेशर जो होता है उसको रिलीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हैमर ऑकर इन ये पेनस्टोक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मीडियम और हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कास्टिंग इज प्रोवाइडेड, हम लोग जो मीडियम और हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो कास्टिंग प्रोवाइड करते हैं वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है प्रेशर वेरिएशन इन द पेनस्टोक पाइप ड्यू टू द सडन लोड चेंज होने के वजह से जो प्रेशर वेरिएशन होता है पेनस्टोक के अंदर उसको वो कंट्रोल करता है कास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट ट्यूब इज प्रोवाइडेड टू, ड्राफ्ट ट्यूब हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है द एक्टिंग हेड ऑन द वाटर व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हार्डनेस इन लो वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन
with reaction and adjustable when is. Low variable water head के लिए suitable जो hydraulic turbine है with reaction and adjustable when is, कौन सा turbine suitable है? तो वो है Kaplan type. Next question है, for high head and low discharge, the water turbine is used is. तो high head और low discharge के लिए कौन सा turbine हम use करते हैं? तो Pelton wheel turbine हम use करते हैं high head और low discharge के. इसका head जो होता है Pelton turbine का, वो होता है above 200 meter. Next question है, the specific speed of Kaplan, Francis and Pelton turbine are in. जो इसका specific speed क्या है, किस order में, decreasing order में या increasing order में? तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में. स्पेसिफिक स्पीड जो होता है और फ्रांसिस का जो स्पेसिफिक स्पीड होता है और पेल्टन का जो होता है वो इस प्रकार होता है. कैपलन का होता है 300 टू 1000 और फ्रांसिस का होता है 60 टू 300 एंड पेल्टन का होता है 10 टू 50. तो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वेरिएबल हेड of near about but less than 30 meter, which type of turbine is used in hydropower station? बोल रहा है कि जो head हमारा near and about 30 meter होगा उसमें, या फिर less than 30 meter होगा तो उसमें किस type of turbine हम use करते हैं? तो ये हम लोग Kaplan type of turbine use करते हैं. जैसे कि एक होता है Pelton, एक होता है हमारा Francis, और ये एक होता है Kaplan. तो यहाँ इसका जो हेड होता है वो होता है अबव 200 मीटर, फ्रांसिस का होता है 30 मीटर 200 मीटर एंड Kaplan का होता है लेस देन 30 मीटर. तो हम यहाँ पर हम लोग कौन सा टर्बाइन यूज करेंगे लेस देन 30 मीटर हेड के लिए? Kaplan टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बाइन्स इंस्टॉल्ड एट भाखड़ा नंगल आर. जो टर्बाइन हम इंस्टॉल्ड किए भाखड़ा नंगल में वो कौन सा टर्बाइन है? तो वो है Pelton wheel turbine. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिएक्शन टर्बाइन द फंक्शन ऑफ, क्या फंक्शन है रिएक्शन टर्बाइन में? तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, बाय द ग्रेजुअल एक्सपेंशन इन डाइवर्जेंस पार्ट, डाइवर्जेंस पार्ट का धीरे धीरे विस्तार करके ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रांसिस टर्बाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड इज यूजुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ. तो नंबर ऑफ ब्लेड का जो ऑर्डर है वो कितना होता है फ्रांसिस टर्बाइन में? ये होती 16 to 24. नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब टर्बाइन आर, ये जो बल्ब टर्बाइन होता है ये लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन होता है, लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन होता है बल्ब टर्बाइन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंप स्टोरेज स्कीम आर यूज टू इम्प्रूव. पंप स्टोरेज स्कीम होता है हम उसका यूज करते हैं किसको इम्प्रूव कर, तो हम यूज करते हैं इम्प्रूव करने के लिए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एज वेल एज लोड फैक्टर ऑफ द पावर सिस्टम. पावर सिस्टम के प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और लोड फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पंप स्टोरेज स्कीम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग. रोटामीटर जो होता है उसका यूज करते किस, क्या मेजर करने के लिए? तो फ्लूइड डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं रोटामीटर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ स्टीम पावर स्टेशन इज. ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है स्टीम पावर स्टेशन का वो लेस देन होता है डीजल एंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट से. ठीक है, तो स्टीम पावर प्लांट का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है लेस होता है कंपेयर टू डीजल एंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक सेक्टर यूनिट एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टीम पावर प्लांट इक्विपमेंट इन इंडिया. इंडिया में स्टीम पावर प्लांट के इक्विपमेंट को जो मैन्युफैक्चर करता है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसे, वो कौन है? तो वह है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एसोसिएटेड विद इरेक्शन एंड कमीशन ऑफ स्टीम पावर प्लांट इन इंडिया. इंडिया में निर्माण और चालू करने के लिए स्टीम पावर प्लांट को किसी पब्लिक सेक्टर के लिए किससे अनुमति लेनी चाहिए, किसके अंडरटेकिंग में होता है? तो ये होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
के अंडरटेकिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेकाइन साइकिल इफिशियंसी ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट इज इन द रेंज ऑफ। रेकाइन साइकिल की इफिशियंसी जो होता है स्टीम पावर प्लांट में वो क्या किस रेंज में होता है, तो ये होता है 30-45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रीजनरेटिव साइकिल फीड वाटर इज हीटेड बाय। जो फीड वाटर होता है वो हीटेड किसके द्वारा होता है रीजनरेटिव साइकिल में, तो ये होता है ड्रेन स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन, ड्रेन जो स्टीम है उसी से हीटेड होता है हमारा फीड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी ऑफ नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन। नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन का जो अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी कितना होता है, ये होता है 30-40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टीम पावर प्लांट इफिशियंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। स्टीम पावर प्लांट की इफिशियंसी कैसे इम्प्रूव होगी, तो बाय यूजिंग हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम। अगर हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम यूज करते तो हमारी जो इफिशियंसी है स्टीम पावर प्लांट इम्प्रूव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज लोड फैक्टर ऑफ थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया इज। एवरेज लोड फैक्टर जो होता है थर्मल पावर प्लांट का इंडिया में कितना होता है, तो ये है 50-60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ साइज ऑफ थर्मल जनरेटिंग यूनिट इंक्रीज। अगर हम साइज को थर्मल जनरेटिंग यूनिट का इंक्रीज करते हैं तो द कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। अगर हम साइज को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट जो होगा डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थर्मल पावर प्लांट द प्रेशर इन द वर्किंग फ्लूइड साइकिल इज डेवलप्ड बाय। वो थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें प्रेशर जो होता है इन द वर्किंग फ्लूइड साइकिल में जो प्रेशर होता है वो डेवलप्ड होता है किसके द्वारा, तो ये फीड वाटर पंप के द्वारा डेवलप होता है प्रेशर इन द वर्किंग फ्लूइड में साइकिल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थर्मल पावर प्लांट द फीड वाटर कमिंग टू द इकोनोमाइजर इज हीटेड यूजिंग। तो फीड वाटर जो इकोनोमाइजर में जो जाता है वो किसके द्वारा हीटेड होता है, वो फ्लू गैसेस के द्वारा हीटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सुपर हीटर क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, लेकिन प्रेशर जो होता है रिमेन अनचेंज होता है। टेम्परेचर राइज करता है बट प्रेशर रिमेन अनचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप कैरिंग स्टीम आर जनरली ऑफ। जो पाइप जो कैरी करता है स्टीम को वो जनरली किसका बना होता है, तो एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर यूज इन द मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसकी एफिशिएंसी जो होती है 85%।